गाइस क्या होगा अगर सोलो स्कोवा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाए समर स्लैम 2024 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होगा और WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाएंगे। और अगर ऐसा मोमेंट होता है तो यानी कि सोलो स्कोवा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कोडी रूट्स से छीन लेते हैं और कोडी रूट्स को हरा देते हैं और कोडी रूट्स को बिट्रेट कर देते हैं, यानी कि कोडी रूट्स के टाइटल रेन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होगा, आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि कोडी रूड्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चैंपियन है और WWE फैंस भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग समझते हैं कोडी रूड्स को, क्योंकि ना उन्हें प्रोमो कट करना आता है, ना उन्हें मैच यानी कि अच्छे से डिलीवर करना आता है, ना ही उनमें कुछ प्रोमो स्किल है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो इस वजह से जो WWE फैंस है काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं कोडी रूड्स से, और सच बताऊँ तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ कोडी रूड्स को देख कर। और रोमन रेंस आई थिंक चार साल तक चैम्पियन थे और कभी भी एक मिनट यानी कि एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चैंपियन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन कोडी रूड्स के साथ ये 3-4 मंथ में ही यही सीन होने लग गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कोडी रूड्स का ये फर्स्ट मैच है आई थिंक जो जिसके लिए बड़ा चैलेंजर WWE ने बुक किया है और वो है सोलो स्कोवा। सोलो स्कोवा इस वक्त WWE के काफ़ी ज़्यादा टॉप पर चल रहे हैं, यानी कि स्मैकडाउन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं क्योंकि उनकी तबलाइट लाइन ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि बवाल भी मचा रही है, हर किसी सुपरस्टार पर अटैक कर रही है और हर किसी सुपरस्टार को हरा भी यानी कि हरा रही है जिनके साथ भी उनका मैच WWE बुक करती है। और उन्होंने लास्ट यानी कि लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में भी रैंडी ऑर्टन, केविन ओवन और कोडी रूड्स को हराया था। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि सोलो स्कोवा ने पिन किया था कोडी रूड्स को, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोडी रूड्स हार जाएंगे सोलो स्कोवा से और सोलो स्कोवा जीत जाएंगे समर स्लैम 2024 के मैच को यानी कि मेन इवेंट को, और इसके साथ साथ बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें WWE एक बार फिर से गोल्ड के साथ देखने को मिलेगी, जो हमें 2022 में आई थी देखने को मिली थी एंड जब रोमन रेंस की ब्लड लाइन थी। लेकिन इस वक्त सोलो स्कोवा की ब्लड लाइन है, क्या सोलो स्कोवा अपनी ब्लड लाइन के लिए गोल्ड को जीत पाएंगे? और गाइस जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ब्लड लाइन के दो मेंबर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच WWE ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है समर स्लैम 2024 में, जो होगा तामा टोंगा और जैको फातू, यानी कि इनका मैच होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और ये मैच भी जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये भी टैग टीम चैंपियनशिप बन जाएंगे समर स्लैम 2024 में। और अगर सोलो स्कोवा भी बन जाते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा ब्लड लाइन को देखने में। तो गाइस इस बारे में आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। मुझे तो यही लगता है कि शायद सोलो स्कोवा बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो इस बारे में आप लोगों को क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी, अगर वीडियो चली गई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को रेसलिंग का कंटेंट हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।